Okay, Safi sahab, last question and then please keep sitting, I'll talk to you. जी साहब, एक तो रिसेंटली सेनेट की एक कमेटी फॉर्म की गई है जिन्होंने मंजूर पश्तून और मोहसिन दावड़ और सब लोगों को बुलाया था। इसी तरह केपी गवर्नमेंट ने तमाम पार्लियामेंटेरियन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी उनके साथ एंगेजमेंट के लिए, तो आज आपने जो अनाउंस किया है तो उसके बाद क्या उनके साथ उस लेवल पे एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी? और यानी एक डिक्लेयर वाले, दूसरा कुछ ठीक है ये बाकी चीजों में भी वजन होगा, लेकिन एक तासुर ये भी है कि स्टेट खुद जो इकदामात कर रही है उससे भी पीटीएम के नैरेटिव को तकवीत इसलिए मिल रही कि कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। मसलन सैकड़ों लोगों का कातिल राव अनवर, वो क्यों आजाद पर रहा है? एसपी दावड़ कहां से, कैसे उसकी यहां से अफगानिस्तान पहुंचे? और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बराए नाम इन्वेस्टिगेशन भी वजीर दाखिला ने फ्लोर पर ऐलान किया था, आज तक रति भर फाइंडिंग सामने नहीं आई। इसी तरह लोनी का एफआईआर क्यों दर्ज नहीं होता? साफी साहब, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस। आपको स्पेशल इन्विटेशन आज इसीलिए दिया था कि आप सवाल पूछ सकें। देखें, पहले बात तो यह, कोई लाने जंग नहीं है, कोई लाने जंग नहीं है। उनसे चार पांच सवाल पूछें और वो तरीके के साथ उनसे बातचीत हो जाएगी, जवाब मिल जाएगा। आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंगेज विद देम एंड दैट वॉज नॉट द ओनली टाइम आई एंगेज विद देम। आपको पता है सारी बातों का। इनसे एंगेज करना चाहती है हुकूमत, इनसे एंगेज करना चाहती है फौज, इनसे एंगेज करना चाहती हैं कमेटियां। ये भाग भाग के जर्मनी जाते हैं, ये अमेरिका जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं। मसला तो फाटा केपी के अंदर है। इनको तो चाहिए कि अपना कैंप लगाएं, अपने हल्के में बैठ जाएं और कहें जी मैं यहां बैठा हूं, ये मसले हैं, ये यहां हल होने हैं, हुकूमत मेरे पास आए, फौज मेरे पास आए। आप देखें कौन नहीं जाता। हम तो उधर जाते हैं, काम भी उधर कर रहे हैं, ये कहीं और ही घूम रहे हैं। अगर इनका इंटरेस्ट लोकल मसले हैं तो व्हाई डोंट ये लोकल क्यों नहीं बैठते? इनका हल्का है, मैं गया हूं उस हल्के में और हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम भी किया है। इनके हल्के के लोगों ने, फ्रिया भी थी, इनके हल्के के लोगों ने कहा जी हमने तो कभी देखा नहीं। लीडर तो वो होता है जो अपने लोगों का वहां बैठ के फैसला करे। मसले हैं ना, नारा कहां से आ गया? मसले हैं, फौज को लंबा डालेंगे, ये कहां से आ गया? कभी आपने उनको मशवरा दिया? ये कभी आपने उनसे ये पूछा है कि शुरू हुई तीन बातों से राव अनवर आउट ऑफ वे आ गया? मैंने कहा ना कि मैं बहुत लगा बंदा यहां खड़ा होता हूं। एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है कि जी पीटीएम बिल्कुल ठीक कर रही है, बचा तो राव अनवर उनका था। ऐसे नहीं होता। चीजों को जूम आउट करके देखें कि कैसे हो रही हैं। व्हाट यू सी डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग इट। मेरी जगह आके देखें ना कि मुझे क्या नजर आ रहा है। मैं तो आपकी जगह जाके देख रहा हूं। तीन मसले हैं, दस हो सकते हैं। जहां के मसले हैं वही हल होने हैं ना। हल किसने करने हैं? हुकूमत ने। और इस वक्त तो आपकी जो हुकूमत है उसका स्ट्रक्चर चेक करें, 60% हुकूमत तो खुद हमारे पठान भाइयों के और डिसीजन पॉइंट पे बैठे हैं। और किसने ख्याल करना है? इनका मोदी ने आके ख्याल करना है? आप खड़े हो, आप प्राइम मिनिस्टर से कहें जी कि ये मैं यहां बैठा हूं, मुझे ये काम चाहिए, भेजिए अपना मिनिस्टर, मैं उस वक्त तक यहां से नहीं हिलूंगा जब तक मेरा काम नहीं होता। आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं फौज के खिलाफ जलसे करने के लिए, पकड़े उनसे पैसे आपके बड़े हैं, उनको जी आए इन पैसों से अगले साल नालियां बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, ठीक है जी। तो करेंगे उनसे, कहें तमाम कमेटी में हर बंदे से एंगेज करें, लेकिन आईन और कानून की फिरबंदी करें। आईन और कानून सिर्फ फौज के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर योर पेशेंट हियरिंग।